हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ये टॉपिक कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद में आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ खानी चाहिए ताकि आपके स्टिचेस पे जितना हो सके आपकी बॉडी जल्दी जितनी जल्दी हो सके रिकवर हो जाए। तो पहली बात तो ये कि कुछ ऐसे टिप्स है जो कि जेन्युइनली आप फॉलो करो और कुछ ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद में क्या चीज़ ऐसी अवॉइड कर सकते हो और क्या चीज़ ऐसी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑयली चीज़ें, तेल, मसाला, घी, ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी होती है। ड्राई फ्रूट्स जितना हो सके आपको कम लेना होता है क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी स्टिचेस को रिकवर होने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करो। और ऐसे डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। और जो लोग लेते हैं बेसिकली ये उनका कॉल होता है कि वो उनको लेना है नहीं लेना है, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर इन चीज़ों को थोड़े दिनों के लिए ज़रूर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपकी स्टिचेस इतनी जल्दी रिकवर नहीं हुए हैं और उनको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको मना की जाती हैं, आपको बताई जाती हैं। तो बस यही बात होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपके स्टिचेस आते हैं तो आपको एक 6 महीने का तो आपको टाइम लगता है कि आपकी बॉडी को रिकवर होने में, आपके स्टिचेस को ठीक होने में, अंदर से, अंदरूनी से, बाहर से तो वो 15 दिन में ही आपके स्टिचेस मतलब बिल्कुल सही हो जाते हैं, लेकिन अंदर से ठीक होने में मिनिमम आपको 4 से 5 मंथ लग जाते हैं। इसलिए 6 मंथ का टाइम कहा जाता है कि 6 महीने तक आपको परहेज करना होता है इन सब चीज़ों के लिए में। और अदरवाइज़ मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई और सेकंड डिलीवरी भी मेरी सिजेरियन से ही हुई, ऑब्वियसली होनी ही थी। तो मेरा ऐसा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पे भी ये सारी चीज़ें अवॉइड करी, मैंने कुछ ऐसा नहीं लिया। जितनी ग्रीन वेजीज़ होती है आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें खा सकते हो, लेकिन तेल, मसाला, घी, ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे कुछ दिनों तक तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये सारी चीज़ें। आप इन चीज़ों को जितना इग्नोर करो, ग्रीन वेजेस जितनी हो सकते हैं आप ले सकते हो, दाल वगैरह आपको जितनी खानी आप खा सकते हो क्योंकि उससे आपकी जब, क्योंकि ब्रेस्ट फीड आप करवाते हो तो फीडिंग के लिए जितनी दाल होती है आप ले सकते हो, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई भी रोक टोक नहीं होती है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि हर एक चीज़ आपको कहते हैं कि आप हर एक चीज़ खा सकते हो। तो जिन लोगों के डॉक्टर, मतलब कई सारे ऐसी वुमेंस होंगी जिनके डॉक्टर उनको ऐसी बात कहते हैं, तो उनके मन में ऐसा होता है कि उनको तो ऐसा बोला है, तेल मसाला अवॉइड करने की बात कही है और हमें कैसे कह दिया कि आप हर एक चीज़ खा सकते हो। तो मैं उनके लिए खास करके कहना चाहूँगी, मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी सिजेरियन डिलीवरी के बाद में ऐसी कोई चीज़ नहीं ली थी, तेल मसाला, ऑयली चीज़ें कुछ नहीं ली थी। लेकिन जब मेरी सेकेंड हुई सिजेरियन डिलीवरी, देन मैंने सारी चीज़ें खाई, मैंने कोई चीज़ अवॉइड नहीं करी है क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप हर एक चीज़ ले सकते हो। तो जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो मैंने उनके उनके अंडर में, उनकी मतलब निगरानी के कह सकते हैं आप, तो उनके उसमें मैंने हर एक चीज़ ली, ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई है। मैंने घी भी खाया था, मैंने वो पंजीरी जैसे कहते हैं ना, वो घी के लड्डू जो होते हैं तो हमारे में वो पंजीरी बनती है, तो हम मैंने वो भी लिया, ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे स्टिचेस भी काफ़ी, अब देख लो 6 मंथ हो गए हैं मेरी बेबी को और मुझे भी सिजेरियन डिलीवरी तो होने वाले हैं, 26 को हो जाएगा, तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, मेरे स्टिचेस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। जैसे कहते हैं कि इचिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी कोई चीज़ें नहीं हुई। और मेरी बॉडी फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी बहुत जल्दी रिकवर कर गई थी और अभी भी बहुत जल्दी रिकवर कर गई। और एक चीज़ और, क्योंकि मुझे काम करने में भी, कहते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद में काम करने में दिक्कत होती है, मेरे साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। टच वुड कह सकते हैं कि बॉडी बॉडी का भी अंतर होता है, ये सही बात है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हाँ, आपको फर्स्ट में कुछ टाइम तक कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर, आपको केयरफुली रहना पड़ता है इन सारी चीज़ों से,
तो आप जितना हो सके फर्स्ट के कुछ टाइम तक, मिनिमम मैं 1 मंथ कह सकती हूँ, आप इतनी देर 1 महीने के लिए आप अच्छे से फुली रेस्ट लो जितना हो सके। लेना तो आपको 3 महीने तक चाहिए, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद में। बाकी कहने की बात ये है, क्योंकि हम लोग जैसे कि हम अकेले रहते हैं, तो जब किसी के साथ कोई नहीं होता है तो उसे सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ में आपकी फैमिली है तो बेशक आप ज़रूर रेस्ट लें, क्योंकि सिज़ेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, डिलीवरी के बाद एक वुमेन की जो शरीर की अवस्था होती है वो कितनी ख़राब हो जाती है, मैं जानती हूँ, इस चीज़ समझती हूँ। तो आप जितना हो सके आप रेस्ट ले सकती हैं जितना हो सके। अगर आपको रेस्ट मिलना चाहिए, आप जितना हो सके आप इतना काम में बिज़ी ना हो जाएं कि आपकी पूरी मतलब आपकी बॉडी एकदम, क्या कह सकते हैं उसे, एकदम आपकी बॉडी एकदम बेहाल हो जाए और आप कुछ भी करने के लिए बाद में आपको प्रॉब्लम हो। इस वजह से कहते हैं कि सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद या वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद रेस्ट करना चाहिए, पर जिन लोगों को नहीं मिलता उनके पास कोई उपाय नहीं होता है। सो इसलिए अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, बेशक आप जितना हो सके आप रेस्ट लें, जितना हो सके आप अपने शरीर पे ध्यान दें, अपनी बॉडी को बॉडी पे ध्यान दें, आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ें थी, आप हर चीज़ ले सकते हो और ये पूरी आपकी कॉल है कि डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपके डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट अपनी डिलीवरी से सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद मैंने कुछ ऐसी ऑयली चीज़ें, तेल मसाला घी ड्राई फ्रूट्स ये कोई चीज़ मैंने नहीं ली थी, पंजीरी वगैरह कुछ नहीं ली थी। और सेकंड टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें, मैंने घी वाली रोटी, रोटी पे घी लगा के वो भी मैंने खाया, और क्या कहते हैं उसे, पंजीरी जो बोलते हैं वो भी मैंने खाया, ये सारी चीज़ें मैंने खाई और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था आप हर एक चीज़ ले सकते हो। इस वजह से मैंने हर एक चीज़ ली, क्योंकि उनका कहना था कि अब जो भी खाओगे, आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो भी उतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ों को अपने अंदर में, अपने सिस्टम में लेगा, तो आगे चलकर आपके बेबी को कोई परेशानी नहीं होगी, जब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अपने बच्चे के लिए, बेसिकली मैंने अपने बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे अच्छे से आप डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो कि आप सब कुछ खा सकते हो, तो आप सब कुछ खा सकते हो, क्योंकि मैंने भी खाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो बाकी बॉडी का भी होता है, डिफरेंट होती है बॉडी, सबकी अलग होती है, सबके साथ में एक चीज़ नहीं होती है। तो लास्ट कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बॉडी को जितना हो सके रेस्ट दें, जो खाने का मन करता है आप खा सकते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी जिनकी है वो तो सभी कुछ खा सकते हैं, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो कुछ नहीं खा सकते, उनके साथ बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो हर एक चीज़ खा सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती है। पर सिज़ेरियन डिलीवरी वालों के साथ में थोड़ी सी ये सारी दिक्कत होती है। तो ये पूरी पूरी आपकी कॉल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कुछ दिनों तक आप अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।